फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक वैसे ही हमेशा से जैसे मैं करती आ रही हूँ कि इजी सा और क्विक सा मेकअप लुक, सो पर्पल आई मेकअप लुक और पर्पल मेकअप लुक आप कह सकते हो, जो कि आप पार्टीज में यूज कर सकते हो इसको और बहुत ही इजी और क्विक वाला है। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी प्राइमर से, जो कि मैं NYV का प्राइमर यूज करती हूँ। जैसे कि आपको बोला था, मैंने मेरे प्राइमर कभी कभी यूज करती हूँ, ज्यादा तो नहीं यूज करती। तो ऑलरेडी मैं अपना स्किन केयर कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगी प्राइमर, जो कि NYV का प्राइमर है। जो भी बिगनर्स है उनके लिए ये वाला प्राइमर बहुत अच्छा है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा लूंगी, ज्यादा भी नहीं लगाना है। ऑलरेडी मैं अपना स्किन केयर कर चुकी हूँ, तो प्राइमर को मैं डॉट डॉट करके हर जगह के फेस और नेक एरिया में लगा लूंगी। फाउंडेशन आप कह सकते हो, फाउंडेशन कंसीलर और कलर करेक्टर भी है, तो 3-in-1 का काम करता है। तो मैं आज यही यूज करने वाली हूँ, दूसरा कोई जो फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाऊंगी, ना ही कंसीलर, ये सारी चीज़ों का काम कर लेगा। तो बहुत मैं ज़्यादा बेस हैवी नहीं करने वाली हूँ, बहुत लाइट वेट रखने वाली हूँ। तो इसका मैं स्टार्ट करती हूँ पहले अंडर आईज पे, फिर पूरे फेस पे मैं लगा लूंगी इस स्टिक को, और ये बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। और जैसे कि मैंने बोला था, बहुत ईजी है लगाना भी, विंडोज के लिए काफ़ी ईजी है, स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है ये। तो मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है और ये फेस पे अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। तो अब मैं यूज करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर, इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से सेट कर दूंगी पहले, और इसको भी मैं डैप डैप करके लगाऊंगी कॉम्पैक्ट पाउडर को, उसके बाद मैं इसका डस्टिंग करूंगी। पहले अपने ब्रोज को फिल कर लूंगी, जैसे कि मैं हमेशा से ब्राउन आईब्रो पेंसिल यूज करती हूँ। तो पहले मैं आईब्रोज को पहले ब्रश कर लूंगी, फिर मैं जो भी जितने गैप है वो फिल करूंगी, ज्यादा डार्क नहीं करने वाली हूँ। सो मैं पर्पल आई शेडो लूंगी, मेरे पास 3 पर्पल शेड है, जो कि एक लाइट है, मीडियम है और एक मैट है और एक शिमर है। तो मैं ये 3 का यूज़ करने वाली हूँ, और सिर्फ पर्पल आईज है तो पर्पल का ही यूज़ करूँगी। पहले लाइट पर्पल शेड एक लूँगी, उसको मैं क्रीज पे बिल्ड करूँगी पहले अपने। तो पहले क्रीज को लाइट शेड, फिर देन डार्क, और एक लाइट शेड लिया, दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं लूँगी एक शिमर पर्पल जो आई शेडो है, उसको मैं आई लिड पे फिर से थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, ताकि सिर्फ वो थोड़ा सा सेंटर में शाइन दिखे, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करने वाली हूँ इसमें, थोड़ा सा सिंपल ही रखूँगा। सेंटर में प्लेस कर दूँगी, थोड़ा सा लाइट टचअप टाइप दे दूँगी बस, ताकि थोड़ा वो सेंटर में ही शाइन दिखे। थोड़ा सा सिर्फ लाइट ही लिया है, ज़्यादा डार्क नहीं किया है। अब मैं अप्लाई करूँगी पहले आईलाइनर, जो कि NYV का है। अभी तक तो मैं यही वाला यूज़ करी क्योंकि ये मेरा अब फेवरेट हो गया है, तो ये बहुत इजी भी है अप्लाई करना, जो बिगनर्स के लिए, जैसे कि मैं कह चुकी हूँ कि बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, और मैं भी अभी इससे अच्छे से मेरा आईलाइनर भी लग जाता है, तो अभी मैं ये वाला यूज़ करने वाली हूँ। तो आईज पे आईलाइनर लगा लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, छोटा सा विंग निकाला है, सॉरी विंग हो गया, विंग निकाला है छोटा सा ही। अब मैं लगाऊंगी काजल, और काजल भी मैं लोअर लैशेस और अपर लैशेस पे लगाऊंगी, लोअर बॉटम लाइन, अपर बॉटम लाइन, सॉरी। तो मैं लोअर बॉटम लाइन पे पहले लगा लूंगी काजल, और काजल भी मैं ज़्यादा हैवी नहीं करूंगी, जस्ट थोड़ा सा टचअप देना है, और आईज को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए काजल लगाने से अच्छा लगता है।
सो मैंने काजल भी लगा लिया है, थोड़ा सा लाइट रखा हुआ है, काजल को भी ज़्यादा हैवी नहीं किया है। अब मैं जो पर्पल आई शेडो ऊपर लगाया हुआ था उसी को ही एक लाइट पर्पल लूँगी और मैं लोअर लैशेस पे थोड़ा सा लगाऊंगी, जस्ट लाइट सा। लिपस्टिक है वो भी पर्पल यूज करने वाली हूँ, जैसे कि पर्पल लुक है तो मैंने लिपस्टिक भी आज पर्पल रखा हुआ है, तो पर्पल लिपस्टिक अप्लाई कर, लिपस्टिक भी पर्पल लगा लिया है। अब मैं लगाऊंगी जो फेक लैशेस है, तभी आपका लुक अच्छा सा आता है। आप छोटा भी आई लुक क्रिएट करते हो और अगर लैशेस यूज करते हो तो उसका कुछ अलग ही हो जाता है लुक, मतलब कि बहुत अच्छा सा दिखने लगता है, सिंपल मेकअप में भी बहुत अच्छा लगता है अगर आप ये यूज़ करते हो तो। अभी मैं लगाऊंगी ये फेक आई लैशेज, उससे पहले मैं अपने जो लैशेज है उसको कर्ल कर लूँगी, देन फिर मैं पहले मस्कारा लगाऊंगी अच्छे से अपर आई लैशेज और लोअर लैशेज पे, उसके बाद ही मैं फेक लैशेज यूज़। आई लैशेज है वो भी लगा लिया है, अब मैं थोड़ा सा करूँगी ब्लश और ज़्यादा मैं कुछ और नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ ब्लश थोड़ा सा टचअप देके और फिर हाईलाइट कर दूँगी। सो गाइज, हियर इज द फाइनल लुक। अब मैं आपको रेडी होके दिखाती हूँ कि पर्पल मेकअप लुक और एक वेस्टर्न ड्रेस के साथ, जो कि आप पार्टी में वेयर कर सकते हो, पार्टी में ये लुक क्रिएट कर सकते हो। तो आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक, जो कि पर्पल आई मेकअप लुक के साथ पर्पल मेकअप लुक, और ये आप पार्टी में और कहीं पे भी एज अ कैजुअल लुक आप ट्राई कर सकते हो। और आजकल पार्टीज भी आ रही है, जैसे कि क्रिसमस पार्टी हो गया, न्यू ईयर पार्टी हो गया, तो सिंपल क्लासी एंड बोल्ड लुक। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।